जापान अब अपने दुश्मन देश नॉर्थ कोरिया पर सैटेलाइट से नजर रखेगी। उत्तर कोरिया के जमीनी समुद्री गतिविधियों और मिसाइल कार्यक्रम पर नजर बनाए रखने के लिए एक जासूसी सैटेलाइट छोड़ा है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक H2A रॉकेट को जापान के दक्षिण पूर्व में स्थित तानेगाशिमा प्रक्षेपण केंद्र से स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:20 पर लॉन्च किया गया। ये मिशन जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग से लॉन्च हुआ। पहले यह प्रक्षेपण 15 मार्च को होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसमें देरी हुई। इस प्रकार के उपग्रह धरती के ऊपर के कई सौ किलोमीटर की तस्वीरें लेने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसका इस्तेमाल उत्तर कोरिया, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करेगा, उस जगह की निगरानी के लिए होगा। गौरतलब है कि अपने तानाशाह किम जोंग उन के नेतृत्व में 2016 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल परीक्षण किए और 2 परमाणु परीक्षण किए थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।